बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था और डेरिवेटिव्स किया था, एक्सरसाइज 2.1। आज हम करेंगे डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स जो है ना, वो उसको हमने फॉलो करना है और फिर इसके ज़रिए हम आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर कोई कांस्टेंट हो और कांस्टेंट की डेरिवेटिव जो है वो हमेशा ज़ीरो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डी ओवर डी एक्स टू कांस्टेंट हैं, अगर इसके हमने डेरिवेटिव्स मालूम करनी हो या डिफरेंशिएशन करनी हो तो ये ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, इसी तरह अगर कांस्टेंट का किसी फंक्शन के साथ ज़रब हो, मल्टीप्लाई हो, यानी मल्टीपल हो, तो वो इस तरह होगा कि अगर डेरिवेटिव ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल 2x, तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि 2 जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम 2 n 2 डेरिवेटिव ऑफ x, ये x 1 - 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी, 1 n 1 - 1, तो ये इज इक्वल टू 2 n 1 और इज इक्वल टू 2। तो ये उस कांस्टेंट के उसके साथ इसका ज़रब होगा और इसका डेरिवेटिव जो भी हो तो वो इस तरह आएगा। यानी कि अगर डेरिवेटिव्स ऑफ फर्ज करो ax, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे कि a n 2 डेरिवेटिव्स ऑफ x, इस तरह लिखेंगे। इस तरह अगर माइनस हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल डेरिवेटिव्स ऑफ f - g, तो ये बराबर होगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ f माइनस n 2 डेरिवेटिव्स ऑफ g। इस तरह और भी कुछ है, वो हम बताएंगे बाद में। तो इस तरह प्रोडक्ट फंक्शन या प्रोडक्ट रूल, इसका भी एक तरीक़ा है। इसमें दो फंक्शन होंगे जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका हमने डेरिवेटिव्स मालूम करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के uv दो फंक्शन हैं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन n 2 डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन n 2 डेरिवेटिव्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब इसको हम
फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन का जो है इसका हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे प्लस फिर सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसमें दो फंक्शन होंगे जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इसका यही तरीका है या फार्मूला है या जो भी आप समझ लें कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए कि फर्ज करें मैं एक मिसाल लिख देता हूँ कि फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एन टू एक्स प्लस वन। अब ये वही दो फंक्शन हैं, फर्ज के ये u और इसको हम v कहते हैं। अब इसी के ऊपर हमने ये जो फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, इसको पहले इसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एन टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इस पर अप्लाई करेंगे और ये हम करेंगे लेट वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि वी और डेरिवेटिव्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू, अब इसके हमने डेरिवेटिव्स करनी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये सम रूल है, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ वन, तो ये कांस्टेंट है, एक्स का जो है ना वन आता है और इसका ज़ीरो, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव्स अगर मैं उसको इस तरह लिखूं कि डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ वन प्लस। अच्छा, अब ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है एक्स प्लस वन सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो इधर ये होगा एक्स प्लस वन, अब इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ टू यानी कि कांस्टेंट। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, अच्छा इसका वन प्लस ज़ीरो, इसका ज़ीरो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ज़ीरो और एक्स का वन, तो इधर क्या आएगा वन, वन प्लस ज़ीरो वन। अब ये प्लस एक्स प्लस वन, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये टू इधर आएगा और x में से
की पावर में से 2-1 हो जाएगा और इसका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और एक्स प्लस 1 और 2-1 1, तो 2x प्लस 0 2x इंटू 2x। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके तो ये इसका डेरिवेटिव्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 2x इंटू x, 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 2, तो ये इसका जो है ना dy ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल है। तो आज इस तरह आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये इसी पार्ट 2 का थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, लिहाजा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर मतला करें बाय कमेंट्स। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।